आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि इंस्पीडियम एफिलिएट प्रोग्राम के लिंक्स को हम किस तरीके से सोशल मीडिया पे प्रमोट कर सकते हैं, स्पेशली फेसबुक के ऊपर, क्योंकि फेसबुक ने कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स और प्राइवेसी पॉलिसीज वगैरह चेंज की हैं, तो एफिलिएट मार्केटिंग के लिंक्स हम पोस्ट नहीं कर पाते। उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन ये है कि हम wix.com पे वेबसाइट बनाएं और उस वेबसाइट को हम प्रमोट करें। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि विक्स के ऊपर वेबसाइट किस तरीके से बनाई जा सकती है और एफिलिएट का लिंक किस तरीके से लगाया जा सकता है और उस विक्स की वेबसाइट को किस तरह से प्रमोट किया जा सकता है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे। तो आइए चलते हैं wix.com की तरफ। मैं आ गया हूँ wix.com के ऊपर और अब मैं यहाँ गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ। ये मुझे साइनअप के पेज पे ले जाएगा। ये मुझे साइनअप के पेज पे इसलिए नहीं लेके गया कि मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है wix.com के ऊपर, तो वैसे आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद ये यहाँ लेकर आएगा साइनअप के पेज पे। आपने यहाँ पे ईमेल टाइप करनी है, यहाँ फिर से ईमेल टाइप करनी है, यहाँ अपना पासवर्ड, अगेन यहाँ पे पासवर्ड, और आप फेसबुक के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं और आप गूगल के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। मैंने अपना अकाउंट पहले से क्रिएट किया हुआ है तो मैं अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। ये मैं लॉगिन हो चुका हूँ विक्स के ऊपर। लॉगिन होने के बाद आपका फर्स्ट पेज ये शो होगा। यहाँ आपकी अगर कोई साइट बनी हुई है तो यहाँ पे वो साइट आ रही होगी, ये आपकी साइट का डैशबोर्ड है। अब हमारी कोई साइट बनी हुई नहीं है तो ये हमारे पास आ रहा है क्रिएट न्यू साइट, एक यहाँ भी आ रहा है यही बटन। तो मैं इन दोनों से किसी पे भी, दोनों में से किसी बटन पे भी क्लिक करके इस पेज पे आ सकता हूँ। और यहाँ विक्स हमसे पूछ रहा है कि किस तरीके की वेबसाइट आपकी है, आपकी वेबसाइट की कैटेगरी क्या है, आपकी वेबसाइट बिजनेस के लिए है, आपकी वेबसाइट ऑनलाइन स्टोर के लिए है, आपकी वेबसाइट फोटोग्राफी के लिए है। बेसिकली ये कैटेगराइज हुए हुए हैं टेम्पलेट्स, जो कि विक्स की फ्री कॉर्टेसी के अंदर ये टेम्पलेट्स मौजूद हैं, जो आप भी सर्च कर, आप भी यूज़ कर सकते हैं इन टेम्पलेट्स को। मैंने यहाँ सर्च किया था, यहाँ पे कोई भी वेबसाइट होस्टिंग प्रोवाइडर का कोई टेम्पलेट नहीं है, वेब डेवलपमेंट का कोई टेम्पलेट मुझे अच्छा नहीं नज़र आया। तो मैं एक सिंपल सी एक वेबसाइट बनाने के लिए मैं यहाँ अदर्स पे क्लिक कर लेता हूँ। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि ADI आपके लिए क्रिएट करे वेबसाइट या आप विक्स एडिटर के ऊपर जाके अपनी वेबसाइट बनाएंगे। अच्छा, ADI का मैं आपको बता दूँ, ADI है क्या? बेसिकली ADI है आर्टिफिशियल डिज़ाइन इंटेलिजेंस, जो कि आपके लिए खुद वेबसाइट 5 मिनट के अंदर अंदर आपको ये वेबसाइट बना के दे देगा। बट हमारे केस में क्या है, हमें वेबसाइट कस्टम बनानी है, हमें इंस्पीडियम के कुछ पैकेजेस, जो होस्टिंग के पैकेजेस हैं वो मुझे लिस्ट करने हैं। तो मैं चूज़ अ टेम्पलेट करूँगा विक्स एडिटर के ऊपर। मैंने चूज़ अ टेम्पलेट पर क्लिक किया है और मैं इस पेज के ऊपर आ गया हूँ। यहाँ से मैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी कैटेगरीज आ रही हैं जो कि हमारे फर्स्ट पेज पे आ रही थी। बिजनेस के ये टेम्पलेट्स हैं, ठीक है, और अगर मैं स्क्रॉल करके देखता हूँ तो ये सारे टेम्पलेट्स हैं और इनमें से किसी भी टेम्पलेट को मैं एडिट कर सकता हूँ और मैं व्यू भी कर सकता हूँ, आप देख सकते हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ सर्च करके दिखा देता हूँ, जो मैं कह रहा था कि वेब होस्टिंग की कोई टेम्पलेट मुझे नज़र नहीं आया तो मैं कस्टम बनाने जा रहा हूँ। देखें, वेब डिज़ाइनर आ रहा है, वेब ऐप आ रहा है और मुझे जिस चीज़ से रिलेटेड टेम्पलेट चाहिए वो नहीं मिल रहा मुझे। तो खैर कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे ब्लैंक टेम्पलेट चूज़ करूँगा। आप यहाँ से कोई भी टेम्पलेट चूज़ करके उसको सेट कर सकते हैं अपने अपने काम से रिलेटेड। और यहाँ पे देखेंगे आप तो स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, क्लासिक लेआउट, हेडर लेआउट, गैलरी लेआउट, ये पोर्टफोलियो का लेआउट है, ये मिनिमल लेआउट है, ये वन पेज लेआउट है। मैं वन पेज लेआउट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उप्स, ये वापस चला गया ब्लैंक पे।
मैं यहाँ पे वन पेज लेआउट सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको एडिट पे क्लिक कर लेता हूँ। ये पेज लोड हो रहा है, विक्स चीज़ें कलेक्ट कर रहा है जिस तरीके की हमने अभी वन पेज का ब्लैंक टेम्पलेट सेलेक्ट किया है। तो विक्स का जो ये बिल्डर है ये उस पेज को बना रहा है और ये मैक्सिमम नेट की स्पीड के ऊपर होता है, जल्द से जल्द आपको ये ओपन करके दे देता है एडिटर। अच्छा ये आ रहा है, वेलकम टू विक्स, इट्स इजी टू क्रिएट योर ऑनेस्ट ट्रेनिंग वेबसाइट। आप मेरा ट्यूटोरियल देख रहे हैं तो अगर आप चाहें तो इनका विक्स का वेलकम टू द विक्स एडिटर, आप इस एडिटर का भी ट्यूटोरियल देख सकते हैं। बट मैं ट्यूटोरियल में भी मैं भी आपको सारे ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा। तो मैं स्टार्ट नाउ पे क्लिक करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये पूरा वन पेज लाइक एक वेबसाइट के अंदर होम है, तो ये होम आ रहा है उसका नेम ऑफ साइट। आप यहाँ पे नेम लिखेंगे, यहाँ आप अपना टाइटल या कुछ भी टेक्स्ट दे सकते हैं। मैं यहाँ पे स्लाइडर लगाऊंगा एक, मैं यहाँ पे अबाउट है तो मैं अबाउट के लिए कुछ मुझे अबाउट चाहिए नहीं। यहाँ पे एक सर्विसेज आ रहा है, मुझे सर्विसेज भी नहीं चाहिए, मुझे वर्क भी नहीं दिखाना अपना, मुझे कॉन्टेक्ट मैं लगा सकता हूँ। और अभी हम काम करना शुरू करते हैं। मैं सब तो हम आ गए हैं यहाँ पे, काम स्टार्ट करते हैं अपना। यहाँ से मैं नेम चेंज करता हूँ साइट का और ये राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वेब होस्टिंग। और ये साइट पैनल जो देख रहे हैं आप, यहाँ से भी आप हेडिंग्स, फॉन्ट्स, फॉन्ट साइज, स्टाइलिंग, ये सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हैं, इफेक्ट्स, और ये हर टेक्स्ट के साथ है। अब मुझे ये टेक्स्ट नहीं चाहिए, मैं सिंपली राइट क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ उसको। मैं इसको कीबोर्ड के डेल के बटन से भी डिलीट कर सकता हूँ, तो मैं राइट क्लिक करके इसको भी डिलीट कर देता हूँ। मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे ये एंकर का बटन भी नहीं चाहिए, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सिंपली। अब ये जो बैकग्राउंड है यहाँ पे मुझे स्लाइडर लगाना है, तो मैं यहाँ पे चेंज स्ट्राइप बैकग्राउंड करूँगा और मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि बैकग्राउंड्स क्या क्या लगा सकते हैं हम। ये भी लगा सकते हैं बट, और ये वीडियो, हम वीडियो भी लगा सकते हैं, मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ये वीडियो है बट हम और देख लेते हैं इधर के इनकी गैलरी में, ये देखें एक ये भी अच्छा है। बट अभी हम ये करेंगे कि हम अपने पास जो सिस्टम में इमेज है वो अपलोड कराएंगे, तो मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ। अब ये मीडिया फ्रॉम विक्स और ये जो जितनी भी इमेजेस आ रही हैं मीडिया फ्रॉम विक्स की, ये विक्स की लाइब्रेरी है। ये सारी इमेजेस विक्स की हैं और आप इनमें से कोई सी भी चूज़ कर सकते हैं। शटर स्टॉक पे देख लेते हैं। अब ये शटर स्टॉक से जितनी इमेजेस हैं हमें बाय करनी पड़ेंगी $2.99 की। एन स्प्लैश पे देख लेते हैं, यानी स्प्लैश पे भी हमारे पास इमेजेस आ रही हैं जो कि फ्री हैं। मैं एक काम करते हैं, हमारे पास अपलोड मीडिया करते हैं और सिस्टम से अपलोड कराते हैं मीडिया। अच्छा ये जो माई विक्स अकाउंट, गूगल ड्राइव, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ड्रॉपबॉक्स, गूगल फोटोज़, आप डायरेक्ट लिंक, ये आप यहाँ से भी अपलोड करा सकते हैं इमेजेस, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर करते हैं। और ये मेरे पास एक बैनर बना हुआ रखा हुआ है तो मैं ये ओपन कर लेता हूँ। मेरे पास बैनर अपलोड हो चुका है, मैं इसको क्रॉप भी कर सकता हूँ यहाँ पे, एडजस्ट भी, कटआउट बैकग्राउंड भी, मैं चेंज बैकग्राउंड कर। ये इमेज अब हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। अब ये जो स्ट्रेच है, मैं यहाँ से स्ट्रेच पे क्लिक करके मैं इसको जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ सिंपली माउस से, और ये यहाँ बेटर है। मुझे ये अबाउट का सेक्शन नहीं चाहिए तो मैं ये अबाउट का सेक्शन सिंपली डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करके डिलीट सिंपली, मैं लाइन के साथ भी यही करूँगा और नीचे टेक्स्ट के साथ भी यही करूँगा और एंकर का बटन जो मेरा बना हुआ है उस बटन के साथ भी मैं यही करूँगा। सिंपली मुझे अबाउट का सेक्शन नहीं चाहिए था, मैंने अबाउट का सेक्शन डिलीट कर दिया। नाउ ऐड का बटन बिल्कुल लेफ्ट पे मेरे,
और मैं उस पर क्लिक करता हूँ और मैं जल्दी से लिस्ट के अंदर चला जाता हूँ और मैं अपनी लिस्ट ऐड करवा लूँगा। मैं यहाँ पे देखता हूँ कौन सा बेटर रहेगा, स्पीडियम के होस्टिंग पैकेजेस के लिए ये बेटर है, तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया। आई थिंक सो कि ये बेटर है, मैं इसको सेट कर लेता हूँ यहाँ पे। और अब मैं इसका टेक्स्ट चेंज करूँगा, सिंपली मैं इसके टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और एडिट टेक्स्ट। बट इससे पहले मैं टेक्स्ट जो है इंस्पीडियम की वेबसाइट से कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने राइट क्लिक किया कॉपी, और अब मैं विक्स की वेबसाइट पे ये मैं अपनी वेबसाइट पर आके इसको सिंपली एडिट टेक्स्ट और मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया, पेस्ट कर दिया। ये आप देखें, मैं इसका जो है फॉन्ट्स वगैरह सेट कर रहा हूँ, तो देखते हैं ये कहाँ पे बेटर लग रहा है। और मैंने इसका फॉन्ट्स वगैरह सेट देख लेता हूँ, मैं हेडिंग पे सही लगेगा या नहीं। आई थिंक बहुत बड़ा हो जाएगा तो मैं इसको पैराग्राफ 2 पे ही रहने देता हूँ, और पैराग्राफ 2 पे ही इसको रहने देते हैं हम। अगेन फिर हम इसका फॉन्ट साइज़ वगैरह देख लेते हैं, पैराग्राफ देख लेते हैं। ओके बिल्कुल। ये मैंने इसकी स्टाइलिंग मैं इसकी स्टाइलिंग कर चुका हूँ तकरीबन। मैं फॉन्ट्स वगैरह सेट कर लेता हूँ और ये फॉन्ट बेटर है, तो इफ़ेक्ट्स वगैरह देख लेते हैं हम। आई थिंक ये बेटर है। ये बटन मेरे किसी काम का नहीं है तो मैं इस बटन को सिंपली डिलीट कर देता हूँ। मैं ऐड करा लूँगा दूसरा बटन, तो अब मैं ऐड कराने के लिए ऐड पर क्लिक करूँगा और ऊपर से थर्ड पे बटन्स, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगराइज हुए हैं बटन्स, बट मुझे वो सब नहीं चाहिए, मुझे एक सिंपल सा बटन चाहिए। तो मैं ये आई थिंक ये स्क्रॉल वाला बेटर रहेगा। मैं तीनों अपने चारों पैकेजेस पे यही वाला बटन यूज़ करूँगा ताकि ये कुछ अच्छा लग रहा है। हम इसको चेंज चेंज कर लेते हैं, इसका टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं। यहाँ से आप आइकन चेंज कर सकते हैं, इसका रिप्लेस आइकन, आइकन आपको बनाना पड़ेगा या आपको बने बनाए आइकन मिल जाते हैं, आप वहाँ से यहाँ पे सिंपली अपलोड करा लें और यहाँ से सिलेक्ट कर लें उसको। यहाँ इसकी जगह आइकन की जगह आप कोई इमेज भी लगा सकते हैं, और यहाँ पे मैं बटन का लिंक लगाऊंगा। पहले मैं इसका टेक्स्ट चेंज कर लेता हूँ, तो मैं आपको लिंक का बताता हूँ लिंक किस तरीके से और कहाँ से लेना है हमें। गेट स्टार्टेड, आई थिंक ये बेटर है। अब लिंक ले लेते हैं हम। लिंक हम यहाँ पे वेब एड्रेस का लगाएंगे, डायरेक्ट लिंक लगाएंगे हम, एक्सटर्नल लिंक जिसे कहते हैं, और ये लिंक मुझे एफिलिएट लॉगिन करना पड़ेगा, तो मैं एफिलिएट लॉगिन कर लेता हूँ जल्दी से। एफिलिएट लॉगिन कर चुके हैं हम, और अब हम बैनर्स में जाएंगे मार्केटिंग मटेरियल्स के, ताकि हम वहाँ से लिंक ले सकें जो हमें लिंक लगाना है उस पैकेज के बटन पे। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं अनलिमिटेड वेब होस्टिंग, आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं। मैं डिस्प्ले बैनर पर क्लिक करता हूँ, सिंपली मैं स्क्रॉल करके यहाँ से ये HRF के बाद HTTPS का जो ये लिंक है .HTML तक, HRF के बाद ये वाला लिंक मैं कॉपी कर लेता हूँ। राइट क्लिक करके मैंने कॉपी कर लिया है। अब मैं यहाँ पे वापस वहीं पे आ गया हूँ, वेब एड्रेस मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा उस बटन को, और मैं ये देखें मैं डन पे मैंने क्लिक कर दिया, और ये लिंक इस बटन पे क्लिक होने के बाद आप इस लिंक पे फौरन पहुंच जाएंगे। हम जब साइट पब्लिश करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। अब मुझे इसी वाले लिस्ट का कॉपी चाहिए, तो मैं बाकियों को डिलीट कर देता हूँ सिंपली, और इसी को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ 4 टाइम्स, क्योंकि मैं आपको जस्ट अभी बता रहा हूँ मैं परफेक्ट नहीं बना रहा एक साइट। मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, कंट्रोल डी इसकी शॉर्ट की है, आप शॉर्ट की से भी इसको कर सकते हैं। मैं अगेन डुप्लीकेट कर लेता हूँ इसी को, और कंट्रोल डी मैं इसको दोबारा डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ये मेरा तकरीबन प्रॉपर हो चुका है। अब मैं आपको फॉर्म की सेटिंग्स बता देता हूँ। अब
इस फॉर्म की हम सेटिंग कर लेते हैं, मैं आपको फॉर्म की सेटिंग्स दिखा देता हूँ, क्या सेटिंग्स हैं इसकी। ये देखें, ये मेन के अंदर क्रिएट सबमिशन टेबल है, सेटिंग्स है, यहाँ से आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, और कॉन्टैक्ट लेबल्स हैं, ईमेल नोटिफिकेशन। अब सबमिट चेक कर लेते हैं, सबमिट पे हमने लिंक भी लगा सकते हैं और गो टू साइट पेज लाइट बॉक्स के थ्रू, और ये सक्सेस पे मैं मैसेज शो करवा रहा हूँ, थैंक्स फॉर सबमिटिंग, ठीक हो गया। अब हम और देख लेते हैं और क्या है, और ये हमारा मैसेज है, यहाँ पे ऑलवेज हमने सेट किया हुआ है, ये 3 सेकंड के लिए शो होगा, हमने इसकी सेटिंग कर रखी है। और देख लेते हैं हम के सेटिंग्स के अंदर क्या है, पेमेंट में हमारे पास क्या है, ऑटोमेशन में हमारे पास, हम यहाँ पे ऑटोमेशन में क्रिएट कर सकते हैं कि कोई हमें सबमिट करे तो उसको रिप्लाई किया जाए। फिलहाल के वक्त फिलहाल मैं ये सेट नहीं कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ। वैसे मैं सेटिंग्स में चले जाता हूँ, सपोर्ट आप देख सकते हैं, सपोर्ट में आप जो है अबाउट वेक्स फॉर्म्स के बारे में पढ़ सकते हैं ताकि आपको बेटर और समझ में आ सके। हम सेटिंग्स चेक कर लेते हैं, ईमेल नोटिफिकेशन, मेरी जिस ईमेल से मैं लॉगिन हूँ उस ईमेल पे मेरे पास आएगा ईमेल नोटिफिकेशन। सबमिशन टेबल मैंने क्रिएट कर दिया सबमिशन टेबल, और ये डैशबोर्ड पे शो होगा, ये डेमो कंटेंट्स, डेमो लेबल्स, जो कॉन्टेक्ट मी चेकलिस्ट हुई हुई है, ये मेरे पास कॉन्टेक्ट लिस्ट बन जाएगी एक, जो जो सबमिट करेगा। मैंने क्रिएट सबमिशन पे क्लिक कर दिया और ये सबमिट टेबल बन चुका है मेरे पास, जो कि मेरी पब्लिश साइट होने के बाद जो इस फॉर्म को फिल करेगा वो मेरे पास डैशबोर्ड पे शो होगा। अब मैं इस बटन की थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेता हूँ, और आई थिंक के मेरा ये बटन बेहतर है, तो ये येलो वाला ज़्यादा बेहतर है, तो येलो वाला हमने सेलेक्ट कर लिया है, और अब हम इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, जो हमारे फुटर का टेक्स्ट है हम इसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर देंगे, और मैं यहाँ पे अपना नेम लिख लेता हूँ, शेख अली अहमद, सॉरी शेख अली अहमद, ये बेटर है। और मैं इसकी स्टाइलिंग कर लेता हूँ इस टेक्स्ट की, थोड़ा सा अच्छा लगे, ये बोल्ड सा हो, तो हम इसका फॉन्ट चेंज कर लेते हैं पहले, और फॉन्ट चेंज कर लिया है हमने। हम इफ़ेक्ट्स वगैरह पे ट्राई करते हैं, इफ़ेक्ट्स कोई कोई अच्छा लगे इस पे, आई थिंक ये इफ़ेक्ट बेटर है, मैं बोल्ड कर लेता हूँ उसको, और ये आई थिंक ये बेटर है। मैं इसके फुटर में एक बैनर ऐड करवा लेता हूँ, तो उसके लिए मुझे ऐड बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, और सिंपली मैं सर्च कर लेता हूँ कि मैं बैनर के लिए क्या कर सकता हूँ। यहाँ पे जो एफिलिएट का हमारा बैनर है, मैं एम्बेड चेक कर लेता हूँ, आई थिंक एच टी एम एल आई फ्रेम में मैं एच टी एम एल का कोड वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकता हूँ। मैं एच टी एम एल फ्रेम ले लेता हूँ, और इसको सेट कर लेते हैं बॉटम पे, तो इंटर कोड कर लेते हैं हम। अब यहाँ कोड हमें पेस्ट करना है, अब वो कोड हमें वहीं से मिलेगा जहाँ से हमें लिंक मिला था, तो हमने लॉगिन कर रखा है। हम यहाँ पे स्क्रॉल करके देख लेते हैं कि लैंडस्केप का बैनर कौन सा सही रहेगा, हम स्क्रॉल कर लेते हैं, और ये वाला बैनर सही है, ये थोड़ा सा बड़ा भी है, और इसको कोड को कॉपी कर लेता हूँ मैं, सिंपली इस कोड को ले जाके मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा और अप्लाई कर दूंगा इस पर, और आप देखेंगे कि वो बैनर शो हो गया। अब हमें इस बैनर के लिए इसकी हाइट कम करनी पड़ेगी, जो उस बैनर के बिल्कुल परफेक्ट हो, और इस पर क्लिक करने के बाद भी आप उसी इंस्पीडियम आपके लिंक से इंस्पीडियम के ऑर्डर पेज पे पहुंच जाएंगे। ये हमारी साइट तैयार है, अब सिंपली हम पब्लिश पे क्लिक करते हैं, और ये साइट हमारी पब्लिश हो चुकी है, और ये साइट का हमारी लिंक है, हम इस लिंक के थ्रू व्यू साइट पे क्लिक भी करेंगे तो हम डायरेक्ट इस लिंक पे चले जाएंगे, और ये हमने व्यू साइट पे क्लिक किया, ये हमारा ऊपर लिंक भी आ रहा है, और आप देख सकते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि ये लिंक ना आए तो आप अपने ही एफिलिएट के लिंक से एक डोमेन खरीद के प्रोफेशनल एक वेबसाइट बना सकते हैं और उस वेबसाइट पे आप बिल्कुल सेम इसी तरीके से कर सकते हैं। देखें गेट स्टार्टेड पे मैंने क्लिक किया और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद मैं इंस्पीडियम की साइट पे आ चुका हूँ और ये काउंट होगा मेरा जो लिंक मैंने एफिलिएट का लगाया था अपना, उस लिंक के थ्रू मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। अब बआसानी आप विक्स की ये जो साइट आप बना चुके हैं, इस वेबसाइट को आप फेसबुक पे और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे प्रमोट कर सकते हैं और प्रमोट करने के बाद जब कस्टमर आपकी इस वेबसाइट से क्लिक करेगा तो डायरेक्ट इंस्पीडियम के ऑर्डर पेज पे पहुंच जाएगा।